गवर्नर पंजाब ने एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का हुक्म भी वापस ले लिया। गवर्नर पंजाब के वकील ने लाहौर हाईकोर्ट को आगाह किया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि अच्छी बात है, मामला असेंबली में हल हो गया, सब कुछ आईन और कानून के मुताबिक हुआ। लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त निपटा दी। पीटीआई के नाराज अराकीन वोटिंग के लिए कैसे पहुंच गए, इन्हें मैनेज क्यों नहीं किया जा सका। वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज पार्टी की सूबाई क्यादत पर शदीद बरहम। पार्टी जाया के मुताबिक राना सनाउल्ला ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। मरियम नवाज की फौरी वतन वापसी की तजवीज, मरियम नवाज फौरी पाकिस्तान नहीं आती तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। एतमाद का वोट ले लिया, अब पंजाब असेंबली कब और कैसे तहलील करनी है। इमरान खान ने पार्टी की आला क्यादत को जमान पार्क तलब कर लिया। आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत होगी। चेयरमैन पीटीआई इत्तेहादी जमात काफली की क्यादत के साथ भी मशवरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दो रोजा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। यूएई के वजीर इक़्तिसादी उमूर और पाकिस्तानी सफारतखाने के अफसरान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। इक़्तिसादी तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर बात होगी। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। कराची और हैदराबाद में बदयाती इंतखाबात रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाईकोर्ट ने एमक्यूएम के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। एमक्यूएम ने इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कॉरम और एतमाद की कानूनी हैसियत को चैलेंज कर रखा है। पीएसपी और मुत्तहिदा बहाली कमेटी का बलदियाती इलेक्शन से पहले एमक्यूएम में इंतजाम का फैसला। जरा के मुताबिक पीएसपी और मुत्तहिदा बहाली कमेटी ने अपने अपने अहदेदारों और कारकुनों के इजलास तलब कर लिए। कारकुनान आज शाम जुलूसों की शक्ल में बहादुराबाद जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में इंतजाम का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान नाहली फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाप्त। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आपने इलेक्शन कमीशन के एक ही फैसले पर दो हाईकोर्ट से रिजू किया है, वहां से स्टे मिल गया तो वो चलाएंगे वरना यहां चलाएंगे। आपके पास इस कंडक्ट से मुझे हैरत हुई है। केस की मजीद समाप्त 25 जनवरी तक मुलतवी। नून लीग वाले कम अज कम मजाक वाले पार्टी इलेक्शन ही करा लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक समाप्त में रिमार्क्स, कहा पार्टी सदर वजीर आजम है तो किसी और को सरबराह बना लेते। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को 14 मार्च तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की मोहलत दे दी। नून लीग के वकील ने 31 जनवरी तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की यकीन दहानी करा दी। और ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ वनडे सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि तालिबान की जानिब से खातीन पर तालीम और मुलाजमत पर पाबंदी की वजह से फैसला किया। उधर अफगान क्रिकेटर नवीन उल हक ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट लीग बिग बैश खेलने से इनकार कर दिया। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट और अब वनडे सीरीज न खेलने का बचकाना फैसला किया।